बिहार में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, बैठक में कुल 8 एजेंडों पर लगी मुहर। विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों का बढ़ा मानदेय। मधुबनी हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी यादव, परिवार को दिया आर्थिक सहयोग। बिहार में कई आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला, कटिहार के डीएम बने आईपीआरडी विभाग के डायरेक्टर, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की सूची। झारखंड के बोकारो में खुली देश की सबसे बड़ी योजना की पोल, वैक्सीनेशन प्रक्रिया के दौरान ही खत्म हुई वैक्सीन। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में निदेशक और अभियोजन पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता में सुधार को संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों, अस्पताल में अनुपयोगी मशीन, एम्बुलेंस एवं सभी प्रकार के वाहन को रद्दी घोषित करने हेतु समिति गठन करते हुए नीलामी प्रक्रिया की स्वीकृति दी है। वहीं बैठक के दौरान वृद्धजनों के आश्रय स्थल को लेकर जिला मुख्यालय में 100 बेड तथा अनुमंडल में 50 बेड बनाने को लेकर राशि की स्वीकृति दी गई है। साथ ही राज्य के विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि अंशकालीन शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी भी की है। साथ ही प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत कुल 6,043 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मधुबनी में हुए नरसंहार मामले के बाद पीड़ित परिवार से मिलने बेनीपट्टी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हाल जाना। वहीं तेजस्वी यादव के साथ राजद के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में इंसाफ नहीं मिलने वाला है, यहाँ सिर्फ आरसीपी टैक्स का कलेक्शन होता है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मामले में कार्रवाई को तेज करने की मांग की है। आपको बता दें कि बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में होली के दिन अंधाधुंध गोलीबारी कर अपराधियों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। न्याय कहते हैं कि न्याय के साथ विकास होगा, कहाँ है न्याय नीतीश जी, कहाँ है? वो तो कहते हैं कि हम कुछ एक भी समय खाली नहीं थे, काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? आरसीपी टैक्स कलेक्शन 5 बार डीजीपी से, वो आरसीपी टैक्स कलेक्शन करते हैं 5 बार आके डीजीपी क्या बताएगा? डीजीपी को क्या पता है? जो उसका एसपी बोलेगा वही उसको रिपोर्ट देगा। बीजेपी का क्या कहना है? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वोट दे करके किसको बैठाया गया है? आकर के मिलना चाहिए, परिवार के लोगों की सुननी चाहिए, यहाँ के स्थानीय लोगों की सुननी चाहिए। लोग घुस जाओ, तुम लोग एकदम घुस जाओ, पूरा और अधिकारी पढ़ाई वहां पर भैया भाग जाओ। आप बताइए एसपी किससे पूछेगा? डीएसपी के साथ फोटो हमें दिखा दिया। वहीं जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने प्रदेश में बिगड़ते हुए हालात और मधुबनी में नरसंहार मामले में नीतीश सरकार पर हमला बोला, तो सीएम नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव पर उल्टा प्रहार कर दिया। सीएम ने कहा कि कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए आरोप प्रत्यारोप करते हैं ताकि उनकी पब्लिसिटी हो सके। आप विपक्ष की जो इच्छा होती है आप हम पर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लोगों को मालूम है कि हम क्या करते हैं और कोई जरूरत नहीं है। और मेरे ऊपर बोलता तो पब्लिसिटी मिलती है, उसके लिए उसको बधाई है। तो कोई काम मत करो पब्लिसिटी, तो उससे हमको कुछ नहीं करना। लेकिन इधर दरभंगा के सर्किट हाउस में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे राजद विधायक चेतन आनंद का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजद विधायक ने मधुबनी हत्याकांड मामले में दुख जताते हुए घटना को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने घटना के कारणों को लेकर कहा कि ये सब सरकार की लापरवाही के कारण हुआ है। देखिए सिंपल है कि सरकार की लापरवाही के वजह से ये सब हुआ है। हाँ, एक ऐसे मुजरिम को जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस थे, जिसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस थे, हाँ, उसको खुला छोड़ दिया गया, जिसका अभी आप देखिएगा फेसबुक पे या फिर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जो आ रहा है कि वो डीएसपी, एसपी, थाना अध्यक्ष सबसे उसका जो है बैठना उठना था, यहाँ के स्थानीय एमएलए से, तो ये तो स्वाभाविक है कि सबको पता ही है कि कहाँ से क्या तार खींचा गया, जिसके वजह से 4 घंटा लेट जो है पुलिस उधर पहुंचने का काम की और इन लोग को गेट पास मिल गया
ये बिहार छोड़ करके कहीं और चले जाएं। जो मेन अभियुक्त हैं उन लोग का अरेस्टिंग होना चाहिए, उनके ऊपर स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा। हम तो ये भी कहेंगे कि इसमें अगर एमएलए का, क्योंकि ये तो सब लोग को लग ही रहा है कि एमएलए का हाथ है, हाँ, उसके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इधर बिहार सरकार ने आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई। ये आपको बता दें कि बिहार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने कटिहार के डीएम कमल तनुज को तबादला करते हुए उन्हें आईपीआरडी विभाग का डायरेक्टर बना दिया है, जबकि वित्त विभाग के अपर सचिव आईएएस उद्यान मिश्रा को कटिहार की नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर आईएएस मनीष कुमार को अगले आदेश तक दरभंगा कमिश्नरी की भी जिम्मेवारी सौंपी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने राज्य के 3 आईपीएस अफसरों का भी तबादला किया है, जिसमें भोजपुर के एसपी हरकिशोर राय और सीतामढ़ी के एसपी अनिल कुमार का नाम शामिल है। 2010 बैच के आईपीएस अफसर अनिल कुमार को पटना और 2011 बैच के आईपीएस हरकिशोर राय को सीतामढ़ी भेजा गया है। इधर पूर्वी चंपारण जिले अंतर्गत संग्रामपुर थाना क्षेत्र के दक्षिणी मधुबनी पंचायत के मुखिया से अपराधियों ने 50 करोड़ रुपए की डिमांड की है और फिरौती की रकम नहीं देने पर पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसके बाद मुखिया ने संग्रामपुर थाने में 7 लोगों के खिलाफ नामजद लिखित शिकायत दर्ज की है और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं पुलिसिया कार्रवाई में हुई देरी को लेकर मुखिया नागा तिवारी ने कहा है कि अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो वो आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन पर होगी। इस तारीख से को रंगदारी की मांग पहले दिन की गई थी, मैं जाके लिखित पिटीशन दिया। कितना मांग किया गया था? 50 खोखा। दूसरे दिन 1 तारीख को भी फिर मांगी गई तो मैंने शक के आधार पर 7 लोगों को नामजद किया, फिर भी कोई कार्रवाई पुलिस कर नहीं रही है और वह आदमी आज तक लगातार रंगदारी मांग रहा है। मेरे पास सारा ऑडियो क्लिप है। आज भी कॉल आया था क्या? आज भी कॉल आया था। इधर गया के मोक्षधाम में विष्णुपद मंदिर के पास पार्किंग स्थल बनाए जाने का स्थानीय पंडा समाज और ऑटो चालकों ने विरोध किया है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस संबंध में ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि कुछ दिनों से जिला पदाधिकारी ने मंदिर के पास पार्किंग स्थल बनवा दिया है, जिससे चालकों को परेशानी हो रही है, उनसे वसूली की जा रही है जिसे देने में वो सक्षम नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि अविलंब पार्किंग स्थल को बंद किया जाए। इधर बेगूसराय में मिट्टी का दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के पोखरिया मंझनपुर ज्ञान टोला की है, जहां पर दोनों बच्चे अपने घर के नजदीक खेल रहे थे। इसी क्रम में अचानक मिट्टी का दीवार दोनों बच्चों पर गिर गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। अच्छा अपने आप दीवार उलट करके वहाँ पर गिर गया। हम लोग नहीं थे घर पर, हम लोग बाजार में थे, बच्चे लोग देखा तब वो हमको बुलाया कि चलो चाचा ऐसे हो गया तुम्हारे बच्चे को। हम वहाँ से खेत से भाग करके आए, तब वहाँ से हम लोग उठा करके यहाँ अस्पताल लाए। इधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसका अब हर ओर विरोध होने लगा है। इसी कड़ी में पटना सिटी के भगत सिंह चौक पर सरकार के आदेश से नाराज शिक्षकों ने मानव श्रृंखला बनाकर राज्य सरकार से शिक्षण संस्थानों को खोले जाने की मांग की। यहाँ प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि पूरे राज्य में सभी संस्थान खुले हुए हैं और सरकार सिर्फ शिक्षण संस्थान को बंद करा रही है, जबकि सभी शिक्षण संस्थान कोरोना संक्रमण को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन कर रहे थे। वो भी बाजार में जाते हैं, वो वहाँ से होके वो घर में ही आते हैं। संक्रमण से बचने की जहाँ तक बात है तो सबको बचना है, सबको इसके लिए ख्याल करना है। बाजार में भी सेफ्टी होनी है तो स्कूल में भी सेफ्टी रखा जाएगा, और जहाँ तक संक्रमित होने की बात है तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे संक्रमण ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है और उनके उनके जो नियम है उसको पालन किया जाता है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें भी नियमों के अनुसार
अगर 50% बच्चों का भी जो है रोटेट बाय भी क्लास चलाने का परमिशन दिए जाए, हम लोग यही मांग करते हैं। राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने बैठक करना शुरू कर दिया। और वहीं प्रधानाध्यापक का कहना है कि सिर्फ स्कूल कॉलेज को ही बंद किया गया है, सरकार हम लोगों को कमजोर समझ रही है और हम लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। इस बुलेटिन में आप